और फिलहाल ये तस्वीरें आप वाराणसी की देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दो दिन के दौरे पर हैं और इस बीच आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, स्वरवेद मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 7 मंजिला ये मंदिर बनाया गया है। माना ये जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जहाँ पर एक साथ 20,000 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाली वाराणसी का महत्व इस मेडिटेशन सेंटर से और ज्यादा बढ़ जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत हुई, इस मेडिटेशन सेंटर को बनवाने की शुरुआत की गई थी। 34,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं। इससे पहले भी जब वार्षिक उत्सव यहाँ पर मनाया गया था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचे थे, मेडिटेशन सेंटर में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं। मकराना मार्बल से ही इसकी नक्काशियां की गई हैं और भव्यता दिव्यता आप इस मंदिर की देख पा रहे हैं। खास बात यह है इस मंदिर की कि ये सिर्फ एक मेडिटेशन हॉल है, यहाँ पर आकर आप मेडिटेट कर सकते हैं। देखिए, 2 शब्दों से इस मंदिर को बनाया गया है। स्व यानी कि आत्मा और वेद मतलब ज्ञान, यानी कि स्वरवेद आत्मा का ज्ञान कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आप मेडिटेट यहाँ पर कर सकते हैं, लीन हो सकते हैं भगवान की भक्ति में। और 35,000 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। इसके अलावा ये भी बता दें कि एक साथ कम से कम 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं एक साथ यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं। 2004 में इस मंदिर की नींव रखी गई थी, 2014 में ये बनना शुरू हुआ था और अब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार काशी का विकास कर रहे हैं और क्योंकि उनका अपना संसदीय क्षेत्र है, उनका लगाव काशी से वाराणसी से हमेशा ही रहता है। और तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं कितना अद्भुत विशाल ये मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। और तस्वीरों में आप देख भी पा रहे हैं बेहद बारीकी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मेडिटेशन सेंटर को निहारते हुए। अच्छा, और एक और खास बात इस पूरे मंदिर की ये है कि यहाँ पर सिर्फ किसी भगवान की पूजा नहीं की जाएगी, सिर्फ एक मेडिटेशन सेंटर है कि आप यहाँ पर आकर आस्था में लीन हो सकते हैं, भक्ति में लीन हो सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं और अपने आप में देश का ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हैं, कई विकास परियोजनाओं की सौगात वो आज दे रहे हैं और इस बीच फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरवेद मंदिर में पहुंचे हुए हैं। ये अंदर का नजारा आप देख पा रहे हैं स्वरवेद मंदिर का, अपने आप में अद्भुत नक्काशियां जो है इस पूरे मंदिर में की गई हैं। 20,000 से ज्यादा लोग इसमें बैठकर पूजा अर्चना यानी कि मेडिटेट कर सकते हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि जब वार्षिक उत्सव इस मंदिर का मनाया गया था उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और उनके साथ आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देख पा रहे हैं। जो विशालकाय मेडिटेशन सेंटर यहाँ पर बनाया गया है, बेहद बारीकी से उसकी जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए। इस बीच आपको ये भी बता दें कि इसकी स्थापना सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग ने उमराह में जहाँ पर ये बनाया गया है उन्होंने की थी और इसका निर्माण साल 2014 में शुरू किया गया था और लगभग अब जो है इसका निर्माण वो पूरा हो चुका है। कौन कौन सी कलाकृतियाँ अंदर की गई हैं, किस तरीके से बनाया गया है, इसकी बनावट क्या है, सजावट क्या है, इसकी जानकारी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए। और ये भी आपको बता दें कि 7 मंजिला है ये, 35,000 करोड़ की लागत के साथ 64,000 स्क्वायर फीट में इसे तैयार किया गया है और 180 फीट ऊंचा भी है। आप देखिए कि किस तरीके से जो नक्काशियां की गई हैं और कैसे बारीकी से नक्काशियां की गई हैं इसकी जानकारी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मकराना मार्बल का यूज इसे किया गया है और 3,137 स्वरवेद के दोहे इस पूरे मेडिटेशन सेंटर में लिखे गए हैं। तो देखिए अपने आप में कितना अद्भुत, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जहां पर फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, इसका उद्घाटन करेंगे। अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है और भव्यता देखिए आप किस तरीके की काशी की और ज्यादा जो सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर काशी में तमाम घाटों मंदिरों से बनी हुई है उसका महत्व इस स्वरवेद मंदिर से और ज्यादा बढ़ जाता है। 64,000 वर्ग फीट में ये महामंदिर बना है, 7 मंजिला है ये, 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ यहाँ पर मेडिटेट कर सकते हैं, 35,000 करोड़ की लागत से बना है
और 64,000 स्क्वायर फीट में तैयार किया जा रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अमित, हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्वेद मंदिर पहुंचे हुए हैं, बारीकी से देख रहे हैं किस तरीके की नक्काशियां, कितनी मेहनत लगी इस मंदिर को बनाने के लिए। अमित जी, हाँ बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरीके की मंदिरें हैं, वहाँ हवाई मंदिर और तमाम मंदिर, उसी के तर्ज पर वाराणसी में ये मंदिर बनाई गई है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो वाराणसी से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट जाने वाले हाईवे पर ये मंदिर बनाई गई है और जाहिर तौर पर 34,000 स्क्वायर फीट में यह बनी है। अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है इस मंदिर का। और अब फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मंदिर की नक्काशी, मंदिर में जो अद्भुत काम किए गए हैं उसको देखते हुए, सदगुरु क्या 100 फीट ऊंची सैंड स्टोन का प्रतिमा इसमें स्थापित की गई है और एक साथ यहाँ पर कई लोग जो हैं एक साथ मेडिटेशन यहाँ पर कर सकते हैं, बताया जा हजारों लोग एक साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो जाहिर तौर पे अद्भुत है इस तरीके की मंदिर वाराणसी में इससे पहले नहीं था और पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से इस मंदिर में लगातार काम चल रहा था और लगातार काम हो रहा था। मंदिर का काम जैसे ही पूरा हुआ उसके बाद जो यहाँ के ट्रस्ट के लोग थे उन्होंने सीधे संपर्क किया पीएमओ और उसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि इस मंदिर का निर्माण वाराणसी में हो और वाराणसी के लोग इस मंदिर को देखे किस तरीके से अध्यात्म से जुड़े हैं प्रधानमंत्री। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से केदारनाथ बद्रीनाथ जाते रहे हैं, वहाँ मेडिटेट करते रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो श्रद्धालु हैं वो आकर यहाँ पर मेडिटेशन कर पाएंगे और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मंदिर को देखते हुए, क्योंकि अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत दृश्य है, दिव्य दृश्य है इस मंदिर का। इससे पहले इस तरीके का मंदिर जिस डिज़ाइन से बनाया गया है, जिस नक्शे से बनाया गया है, तो जाहिर तौर पर इस तरीके का मंदिर हम राजस्थान में देखते थे, लेकिन अब यहाँ पर वाराणसी में अगर हम बात करें खासतौर से इन जिलों के, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, तो यहाँ इस तरीके की मंदिर नहीं है। ये पहली मंदिर है यहाँ इस तरीके की जहाँ पर लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर मेडिटेट कर पाएंगे। सदगुरु की 100 फुट की ऊंची प्रतिमा भी यहां पर लगाई गई है, वो भी सैंड स्टोन से बनी हुई है प्रतिमा है, उसका आज उद्घाटन कर रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेडिटेशन सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जो माँ स्वर्गीय हीराबेन वो भी अंतिम समय तक स्वर्वेद धाम से जुड़ी रही है और कहीं ना कहीं यही कहीं ना कहीं उन्हें जोड़ता है, ये भावनात्मक जुड़ाव जो है, लगाव जो है इस सेंटर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी हाँ बिल्कुल, देखिए भावनात्मक जुड़ाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये पहली बार नहीं, हमने पहले भी देखा था। जिस तरीके से आपने जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री की माँ जो है सदगुरु से भावनात्मक तौर पर जुड़ी हुई थी और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदगुरु से जुड़े होने, मेडिटेशन करने, इससे पहले हमने केदारनाथ की तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ जाकर मेडिटेट किए थे, किस तरीके से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। काशी कॉरिडोर का जब निर्माण कार्य चल रहा था किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार अपडेट लेते थे, लगातार यहाँ से तस्वीरें मंगा कर देखते थे कि कितना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कितना विकास कार्य आगे बढ़ा है। उसके बाद जब विकास कार्य पूरा हुआ तो किस तरीके से आके अद्भुत तरीके से पूजा अर्चना करते हुए यहाँ पर आकर उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, पूजा अर्चना की थी। और इसके अलावा भी जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं तो मंदिरों में वो जरूर दर्शन करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से वो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। अयोध्या में लगातार विकास कार्य चल रहा है, अभी अयोध्या शहर में 32,000 करोड़ से ज्यादा का विकास कार्य चल रहा है और उसका लगातार अपडेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लेता रहा है और खुद प्रधानमंत्री अपने अधिकारियों से लेते रहे कि अयोध्या में किस तरीके से विकास का काम चल रहा है, कितनी तेजी से चल रहा है। तो जाहिर तौर पर इससे अंदाजा लगाइए कि कितना अध्यात्म से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज जो इनका जो सबसे पहला परमात्मा का ज्ञान मंदिर के अंदर स्वर्वेद होता है, अमित, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है और कहीं ना कहीं इसी भावनात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2021 में यहाँ पर वार्षिक उत्सव में आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने निमंत्रण जो है स्वीकार किया था और कहा था कि जब इसका निर्माण होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगा और उसी वादे को निभाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आए हुए हैं।
जी हाँ बिल्कुल, देखिए 2021 में जब हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि हाँ यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा उसमें वो शामिल होगा। और देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिव्य तस्वीरें हैं, क्योंकि दिव्य तरीके की नकाशी यहाँ पर की गई, दिव्य अद्भुत नज़ारा है मंदिर के अंदर का। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन दिव्य तस्वीरों को इस वक्त देखते हुए अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और देखिए हम अध्यात्म पर बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना आध्यात्मिक है। देखिए अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ महीनों पहले अयोध्या पहुंचे थे और उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया था। और उसके बाद उन्होंने साफ साफ वहां के जिला प्रशासन और को कहा था कि और ट्रस्ट से कहा था कि जितने भी विकास कार्य जितनी तेजी से चल रहे हैं वो वहाँ पर वो लोगों तक पहुँचाया जाए, वो मीडिया को दिखाया जाए कि किस तरीके से दिव्य काम यहाँ पर चल रहा है। तो ठीक, प्रधानमंत्री अध्यात्म तौर पे पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और आज जिस सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे, ये 34,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और यहाँ पर एक साथ कई हज़ार लोग आकर मेडिटेट यहाँ पर कर पाएंगे, यहाँ पर सदगुरु के आकर वो दर्शन कर पाएंगे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि खास तौर से वाराणसी, गाजीपुर और आजमगढ़, ये जो तमाम जिले हैं, प्रयागराज का जिला, बगल में भदोही का जिला, इन जिलों में श्रद्धालु तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, क्योंकि इस तरीके के मंदिर जो है इससे पहले राजस्थान में है, फिर राजस्थान के मंदिरों के दर्शन अद्भुत अनोखा ये मंदिर है। अमित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहले चरण का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर जो काशी है उसका महत्व और ज्यादा इस मेडिटेशन सेंटर से बढ़ जाएगा।